धार में भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के एकवना गांव के एयरफोर्स फौजी का परिवार पुलिस अधिकारियों की वजह से डर के साए में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन अब तक कहीं से कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा। जिन फौजियों के बदौलत आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वही एक फौजी का परिवार बिहार सरकार के पुलिसिया तंत्र से खौफ में है। पूरे परिवार की आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर दिख रहा है। भोजपुर पुलिस की हैवानियत तब सामने आई जब एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुलिस फौजी के दो भाइयों को राइफल की बट से पीट रही है और आधी रात को घर से निकाल रही है। हालांकि ये वीडियो कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है। पीड़ितों की मां के मुताबिक पुलिस केस वापस लेने की धमकी देकर गई थी। हम 9 बजे 8:30 बज रहा था, उस समय हम खाना खिला रहे थे अपने दोनों बेटे को और अपने पति को। उस समय कोई बाहर से आवाज़ दिया, हम आए तो बोले कि दरवाज़ा खोलिए। हम खोले, हमको धक्का देते हुए दरोगा जी अंदर आए पुलिस के साथ, अंदर घुस गए। बोले कहाँ है तुम्हारा बेटा? बोले कि अंदर खाना खा रहा है। वो आए और आकर के थाली उली लात से मार दिए, मार के दोनों बच्चों को कॉलर पकड़ लिए और बोले कि चलो तुम लोग को जेल ले चलते हैं, तुम मुखियों के साथ ऐसा किया है। फिर हमने गिड़गिड़ाया, रोया हम और मेरे लड़की कि ऐसे क्या कर रहे हैं सर, मेरा लड़का क्या किया है? तो नहीं, तुम लोग को भी ले चलेंगे। मुझे भी पकड़ लिया, गिरे भी थे दरवाजे के पास और पकड़ के हम लोग को सबको बिठा के ले गया। बोले कि चलो, वहाँ गए तो गाली गुली देने लगा, यहाँ भी धक्का उक्का देते, घिसते घिसते ले गया। मैंने आपके दोनों बेटों के साथ साथ आप लोग को भी? हमको भी, बेटी को भी और पति को भी मेरा। हाँ, तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ गाली गुली देने लगा, बोले कि जाओ नहीं तो तुम लोग को भी हाजत में बंद कर देंगे। जब न्यूज इंडिया की टीम ने इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए पीड़ितों से संपर्क साधा तो पता चला कि कुछ महीने पहले फौजी के पिता ने नाली विवाद में गांव के ही एक परिवार पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की है। उनके बेटों को पीटा गया और उन्हें आधी रात को जबरन घर से निकाल कर थाना लाया गया। पीड़ितों के घर के किसी सदस्य ने ही ये वीडियो बनाया था जो अब वायरल हो चुका है। मेरे बगल के पड़ोसी, मेरे आम रास्ता गली नली का विवाद उनके साथ अतिक्रमण किए हैं, गली नली अतिक्रमण के, जिसमें सभी मोहल्ले को पक्का पानी का निकास होता है और ग्रामीण आम रास्ता है। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी और सभी वरीय पदाधिकारी से की, उनको द्वारा विधिवत जाँचोपरांत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। SDO साहब ने पुलिस बल और दंडाधिकारी भी नियुक्त की, लेकिन अभी अतिक्रमण नहीं हटा और अतिक्रमण ज्यों का त्यों बना हुआ है। विवाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास आवेदन दिया गया कि अभी अतिक्रमण नहीं हटा है, CO साहब नहीं हटा रहे हैं। तो CO साहब के कार्यालय में गया मेरे दोनों वायुसेना पुत्र, तो उनसे CO द्वारा दुर्व्यवहार की गई, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और उनके आवेदन को और आदेश के छाया प्रति को लेकर फाड़ कर फेंक दिया गया और बोले कि अभी तुम दोनों भाई का नौकरी खा जाऊंगा। इस संबंध में हम लोग थाना, मेरे दोनों पुत्र थाना में गए उनकी शिकायत CO साहब करने के लिए। थाना प्रभारी और उपस्थित वहाँ दारोगा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए, बोले कि जाओ हम देख लेंगे। और वही थाना पुलिस में रात में 9 बजे के लगभग 8 बजे के लगभग हम लोग सभी परिवार खाना खा रहे थे, तो एकाएक घर में ज़बरदस्ती घुस कर गए और हम लोगों को कालर पकड़ कर खींचते हुए मारते पीटते मेरे पत्नी को, मेरे पुत्री को, हमको और मेरे दोनों वायुसेना में कार्यरत पुत्रों को घसीटते हुए थाने पर ले गई। दरअसल ये मामला भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी एकौना का है। पीड़ित धीरेंद्र सिंह खेती कर अपने 3 बेटों को देश की सेवा में लगा चुके हैं। उनका बड़ा बेटा शत्रुंजय कुमार सिंह कोलकाता दमदम हवाई अड्डे पर एयरफोर्स में तैनात है, जबकि 2 बेटे जन्मेजय सिंह श्रीनगर में एयरफोर्स और सारंग सिंह नेवी में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच की बात कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है।
उर्वनगर का मामला आया है, जांच चल रही है और जो भी साक्ष्य आता है जो भी दोषी पाए जाते हैं उसको कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह बिहार पुलिस के पुलिसकर्मियों पर एक फौजी के घर में घुसकर पिटाई का आरोप है, उससे बिहार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। गुनाह के लिए आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।